नाज़रीन आदाब, यह है मैं नाज़ केबल नेटवर्क, आप देख रहे हैं पूंछ सीजन चैनल। पूंछ सीजन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम पूंछ आज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशम एहतिशाम। डालते हैं पूंछ आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। गुज़श्ता शब देर रात में तहसील मंडी के दूरदराज इलाकाजात में तूफानी हवाएं लोगों के मकानात की छतें तक उड़ा गई। अड़ाई मलका में बिजली गिरने की वजह से मां बेटी हुई जख्मी, सब जिला अस्पताल मंडी में जेरे इलाज। रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ पूंछ में भी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का भरपूर असर। जिला पूंछ के बस अड्डा पर कई लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशान। ऐसे मंडी में भी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से लोगों को मुसाफिर करना पड़ा कई तरह की परेशानियों का सामना। मकामी लोगों ने कहा कि हड़ताल से पहले पूरा दिन शहरा पर हादसा। नौजवान जान कहा दोनों का ताल्लुक महडल से। कानूनी दवा के पास दवाई के हवाले कर दी गई। महडल में गम का माहौल। महकमा एम्प्लॉयमेंट की जानिब से बेरोजगारों अपना रोजगार खुद कमाने के लिए कराए जा रहे हैं कर्जाजात फराहम। महकमा की जानिब से आज लिए गए काबिलियती टेस्ट, जिला तरक्याती कमिश्नर भी रहे मौजूद। जिला पुलिस की जानिब से पूंछ में मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी। बनवत में तारिक हुसैन नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 8 किलो पुकी की गई बरामद। एसएसपी पूंछ ने इस सिलसिला में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जानिब से दूसरे मरहले के तरबियती प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ राहुल यादव ने भी की प्रोग्राम में शिरकत। 222 आजमी ने हज हुए तरबियती प्रोग्राम में शामिल। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने किया मेडिकल कॉलेज राजौरी का दौरा। मरीजों की सहूलियत के लिए नए काउंटर का किया इफ्तिताह। डनाउड़ी में बनाए गए सेहत मरकज पर मुकामी शख्स का कब्जा। पीएमओ मंडी ने पूंछ आज को दी जरूरी जानकारी। लद्दाख के द्रास इलाका में 12 जून को हुई बर्फबारी, लोग हैरान। नौशहरा के लंबेड़ी में पानी की किल्लत, मुकामी लोगों का वक्त हुआ एडीसी नौशहरा से मुलाकात। पानी की बरामदी को यकीनी बनाने की अपील। पहली बार गोल्ड गैस कंपनी का शोरूम कायम। एसएसपी पूंछ ने रस्मी इफ्तिताह दिया। हक्कानामन मंदिर के सामने पुरानी पूंछ की आवाम की जानिब से लगाई गई ठंडे पानी की सभी, लोगों में खाने पीने की अशिया भी की गई तकसीम।